मगर क्या पता कि जब उसे जलाया जा रहा था तो शायद वो मरी भी ना हो। हो सकता है कि उसकी सांस चल रही हो सकता है कि उसे बचाया जा सकता था। ये बच्ची जो एक मासूम बच्ची को जला दिया गया, जली हुई लड़की, पता नहीं जिंदा जला दी गई थी या फिर वो सच में मर गई थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। इंसान की इंसानियत मरती चली जा रही है और हैवान होता जा रहा है इंसान। हरकत ऐसी कर रहा है मानो उसने इंसानियत को मार दिया है और जानवर से भी बदतर हो गया है। ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बात हम आपसे आज करने जा रहे हैं उसे सुनकर दिल दहलता है। इंसानियत से कहा जाए तो एक तरह से यकीन खत्म होता जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे इंसान किसी लड़की, किसी महिला, किसी औरत को देखता है तो ना जाने कैसे उसके अंदर हैवानियत इस कदर बढ़ जाती है क्योंकि वो ये नहीं सोच पाता कि वो कर क्या रहा है। 9 साल की एक बच्ची, मासूम सी बच्ची, एक गरीब घर की ऐसी बच्ची, आज उसकी कहानी हम आपको बताते हैं। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली का एक पुराना इलाका, पुरानी नांगल बस्ती। उस बस्ती में एक परिवार जो 1 अगस्त 2021 तक 3 सदस्यों का परिवार था, गरीबी इस कदर थी कि भीख मांगकर अपना परिवार चला रहा था। पहले कूड़ा करकट किसी तरह जमा करके कबाड़ी में बेचकर अपना परिवार चलाने वाला ये परिवार, अपना घर चलाने वाला ये परिवार कोरोना की मार से इस तरह परेशान हुआ कि फिर सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो गया। और एक दिन की बात है, यानी 1 अगस्त 2021, रविवार का दिन, शाम का वक्त था। ये परिवार भीख मांग रहा था, माँ को प्यास लगी, माँ ने बेटी को पानी लाने को भेजा और बेटी शमशान घाट, जहां पानी के लिए कूलर लगा था यानी ठंडा पानी मिलता था, वो 9 साल की मासूम सी बच्ची एक बोतल लेती है, बोतल लेकर वो पानी लाने जाती है। शमशान के ठीक सामने एक दरगाह है, एक पीर बाबा का दरगाह है, वहां ये परिवार भीख मांगकर वहीं से अपना गुजारा करता था। वो मासूम सी लड़की जब शमशान घाट जाती है, काफी देर हो जाती है, लौट कर नहीं आती, तो करीब शाम का तकरीबन सात बज गया था। माँ परेशान होती है कि आखिर बेटी गई तो आ क्यों नहीं रही। फिर वो जब बाहर निकलती है, पता करती है कि आखिर बेटी कहाँ से पानी लाने गई है। जब अड़ोस पड़ोस या फिर कहा जाए कि अगल बगल के लोगों ने उसे बताया कि शमशान घाट की तरफ वो गई है, माँ को चूंकि ये बात पता थी कि शमशान घाट में कूलर है और बेटी वहां से कभी कभी पानी लाया करती थी, वो माँ उस तरफ गई। माँ जब वहां जाती है तो फिर क्या कुछ होता है हम आपको बताते हैं। माँ जब वहां गई तो फिर माँ को भी आने में बहुत देर हुई। अब लड़की का पिता परेशान होता है कि आखिर मेरी बेटी पहले गई, फिर मेरी पत्नी गई, और अब क्या बात है कि 7:30-8 बजने के वो आए रात के और अभी तक ये लोग लौटी नहीं। फिर वो भी परेशान होकर शमशान की तरफ जाता है। जब उसे भी लोग इसी तरह बताते हैं, जब वो शमशान के पास पहुंचता है तो शमशान का गेट लगा हुआ पाता है, शमशान का दरवाजा बंद था। फिर वो लोग, उसके साथ कुछ लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये अंदेशा होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और इसी गड़बड़ में जब वो लोग जमा होकर दरवाजे को जबरदस्ती, कहा जाए तो एक तरह से जबरदस्ती, अंदर घुसते हैं, और जब घुसते हैं तो देखते हैं कि उस बच्ची की लाश जलाई जा रही है और उसमें कुछ लोग शामिल हैं, वो औरत वहीं पर मौजूद है। जब उस जलती हुई चिता को लोगों ने बुझाने की कोशिश की तो उसे कुछ लोगों ने मना किया कि इसे जलने दिया जाए, लेकिन लोगों ने उसे बुझाया, और जब बुझाया गया तो ये उसी बच्ची का शव था जिसे जलाया जा रहा था। जो बच्ची 7 बजे जिंदा वहां, उस समय वो वहां जिंदा जाती है पानी लाने, और फिर 7:30-8 बजे के करीब उसकी लाश को वहां जलाया जा रहा होता है। और जब मामले की तफ्तीश होती है तो पुलिस कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में नजर आती है, क्योंकि पुलिस भी
इस मामले को रफा दफा करना चाहती है, ऐसा लोगों का आरोप है। और इसमें जो एक खास जो बयान आया है वो है एक नितिन बगहा नाम का एक पड़ोसी है उस परिवार का, उसने ये बात बताई है। और जब ये मामले को जांच इसकी की गई तो इसमें जो संदिग्ध लोग पाए गए, संदिग्ध जिन पर शक गया और जिन्हें फिर पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया, इसमें उस शमशान का एक पुजारी है जिसका नाम है राधेश्याम, उसके अलावा कुलदीप, लक्ष्मी नारायण और एक मोहम्मद सलीम, ये इतने लोग इसमें शामिल हैं। अब आपको एक बात और बताएं कि देश की हालत क्या हो गई है। जब मैंने पुजारी वर्ड देखा था तो मुझे पहले इस न्यूज को बोलने में थोड़ा सा अंदर से कहीं ना कहीं कुछ फील हुआ था, वो इसलिए कि मेरा नाम मोहम्मद शादाब मलिक है। लेकिन जब मैंने इसमें देखा कि सलीम, मोहम्मद सलीम भी शामिल है, तो फिर हमने मुझे ऐसा लगा कि मैं बोलूंगा तो कोई इशू नहीं बनेगा। ये बहुत दुख की बात है इस देश के लिए कि इस तरह का माहौल बन गया है कि एक मुसलमान अगर कोई खबर पहुंचा रहा है और अगर कोई वारदात कोई मुसलमान का एक ग्रुप कर रहा है तो उसे मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। यहां मुझे भी यही लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये बात करूं तो लोग उसे पुजारी वर्ड से जोड़ दें। मेरा कतई ये मकसद नहीं है कि मैं ये बोलूं कि एक पुजारी इसमें इन्वॉल्व था। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि जो गुनहगार जो कल्प्रिट हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो यहां पर भी वही बात है, जो गिरफ्तार लोग हैं वो एक राधेश्याम है जो एक पुजारी है उस शमशान के, वही कुलदीप, लक्ष्मी नारायण और सलीम का नाम इसमें आता है। पुलिस जांच करती है लेकिन जांच में जो भी मामले आ रहे हों उससे पहले लोगों ने अब माहौल बनाना शुरू किया, क्योंकि पुलिस उस समय तक आरोपी की एक तरह से कहा जाए कि इनडायरेक्टली तरफदारी कर रही थी। आम जनता का ये कहना है, और जनता यानी कि जो बस्ती के लोग हैं उन लोगों ने उसी रात से आंदोलन छेड़ना शुरू कर दिया और उनकी मांग थी कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये काफी एहसास करने वाला ये मामला है, क्योंकि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में भी इसी तरह एक नाबालिग लड़की का रेप हुआ था और उस लड़की को भी जला दिया गया था। यहां पर भी संदेह इसलिए उठता है क्योंकि संदेह उठना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि एक लड़की जो जिंदा जाती है पानी लाने और कुछ ही देर के बाद वो वहां मरी भी पाए थे, जब उसकी माँ को ये शक होता है, माँ का उसके कहना है कि जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि बच्ची के होंठ कटे हैं, बच्ची के नाक से खून बह रहा है, उसका चेहरा भी नीला पड़ रहा था। और फिर उससे वहां के पुजारी ने और जो लोग वहां पर थे उन लोगों ने कहा कि कूलर में उसे करंट लग गया इसलिए वो मरी है। मगर क्या पता कि जब उसे जलाया जा रहा था तो शायद वो मरी भी ना हो, हो सकता है कि उसकी सांस चल रही हो सकता है कि उसे बचाया जा सकता था। लेकिन इन हैवानों को कैसे ऐसा लगा, क्या इनके इन्हें एहसास नहीं कि एक माँ जब अपनी बेटी को इस हालत में देखेगी तो उसका क्या होगा, जब एक बाप अपनी बेटी को इस तरह से तड़पता हुआ देखेगा तो उसका क्या होगा। ये एक दुख की बात है, ये एक सवाल है, ये सवाल है इंसानियत से, ये सवाल है हर एक वो इंसान से जो इंसान से ज्यादा अब हैवान होता जा रहा है। और जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि लोग अब फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं, कभी कभी मेरे दिल में भी आता है कि फांसी की सजा पता नहीं सही में होनी चाहिए या नहीं, लेकिन अगर जो भी लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं अगर उन्हें फांसी दी जाती है तो क्या ये गलत है। निर्भया के मामले में जिस तरह से निर्भया के साथ हुआ था और उनके आरोपियों को जिस तरह फांसी दी गई, वो आरोपी ने जिस तरह का क्राइम किया था, तो क्या उस तरह की फांसी देना गलत है। ये बच्ची जो एक मासूम बच्ची को जला दिया गया, उसके जब उसकी लाश को जलते हुए लोगों ने फिर बुझाया तो उसका जिस्म जल चुका था, सिर्फ पैर के हिस्से बाकी रह गए थे। जली हुई लड़की पता नहीं जिंदा जला दी गई थी या फिर वो सच में मर गई थी, उसे मार दिया गया था। क्योंकि ये तो कंफर्म है कि जब उसे जलाया गया तो जलाने से पहले पुलिस को खबर क्यों नहीं की गई, जलाने से पहले उसे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, जलाने से पहले उसे का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाप का भी उसके कहना है कि जब फिर बाद में इन लोगों ने उसे देखा, उसकी मां ने जब देखा तो पुजारी ने और जो लोग इसमें शामिल थे उन लोगों ने मां को भी पोस्टमार्टम के नाम से डराया और कहीं ना कहीं उन्हें डराने की धमकाने की भी कोशिश की गई। तो ये मामला है। इस मामले के बाद राहुल गांधी भी वहां गए,
वो जो ये पीड़ित परिवार है उससे मिले। केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उन्होंने 10 लाख रुपए का इनाम दिया है, मगर क्या 10 लाख रुपए उस बच्ची की जिंदगी के बराबर की रकम है? क्या उस 10 लाख रुपए से इस परिवार को वो बेटी मिल जाएगी जो उस परिवार की तीसरी सदस्य थी? शायद नहीं होगा। और ना जाने फिर ऐसा कई ऐसे कई वाक्य होंगे, ऐसी कई वारदातें होंगी और ऐसे कई इंसान शैतान की शक्ल में सामने आएंगे, और ऐसे शैतान इंसान को जो ऐसी हरकत करते हैं और ये साबित जब होता है तो उनके साथ क्या सुलूक होना चाहिए, ये तो कानून के दायरे में ही तय होगा। मगर इंसान की इंसानियत जिस तरह से मरती जा रही है, ये वैसी ही एक घटना का सबूत है। हतरस कांड, ये कांड निर्भया के समय का कांड, और उस समय के बाद से जितने वारदातें हुई उसका मामला, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली में हर 4 घंटे पर कम से कम एक रेप का केस तो जरूर होता है, एक केस होता है, बाकी कितने ऐसे होते होंगे जो छुप जाते होंगे, जो सामने नहीं आते। ऐसा ही कई मामला है जिसमें आंध्र प्रदेश में भी एक बार एक लड़की के साथ रेप हुआ था और उसके बाद जो रेप करने वाले थे उन लोगों ने उस लड़की को जला दिया था, और बाद में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो फिर पुलिस ने उन लोगों का इनकाउंटर कर दिया, शायद वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे भी कई मामले हैं। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।